डॉक्टर रसिका सहाय, रेफरल अस्पताल मेन गेट मंदिर के पास, बीटा मेन ब्रांच पटना। इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर काफी देर तक सार्वजनिक तौर पर बहस किया है। पत्रकार सवाल दागते रहे और नीतीश कुमार यह कहने से नहीं चुके कि पत्रकार विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। पत्रकारों को बताया कि अपराध की सूचना सीधा हमें बताएं। इस पर मीडिया ने भी उल्टा सवाल दाग दिया और कहा कि सूचना दे तो किसे दें। नीतीश कुमार ने डीजीपी को सूचना देने को बोले, लेकिन पत्रकारों ने कहा डीजीपी फोन ही नहीं उठाते, तो नीतीश कुमार आग बबूला हो गए और डीजीपी को फोन लगा दिया और फोन उठाने का सख्त निर्देश दिया है। अपराधियों की जानकारी है पुलिस को, अगर डीजीपी फोन लगाइए, पटना के डीजीपी आईजी किसी को लगाइए, कोई फोन हम कहते हैं ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है नीचे का ना, ये काम संवैधानिक रूप से पुलिस का काम है, इसलिए कोई भी सूचना मिलती है जरूर पुलिस को बताइए। पुलिस वाले आप से बात करेंगे, हम डीजीपी को बोल देंगे, आप किसी और को नहीं, डायरेक्ट डीजीपी को बताएंगे। अरे हम अभी पूछ रहे, हम मोबाइल तो चलते नहीं। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराने घुटना दर्द, कमर दर्द, पुराना बवासीर, जॉन्टिस का सर्दिया इलाज, महिलाओं को लिकोरिया, मासिक खराबी, जीभ का अल्सर होगा देखते ही देखते गायब, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी दवाओं का होगा बीमारियों पर वार।